जोहार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। बात बलौदा बाजार से शुरू करेंगे। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप यह है, दयाल दास बघेल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दंगा भड़काया है। इस हिंसा में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री का हाथ है। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव पर वो आरोप लगा रहे हैं, पूर्व मंत्री रुद्र गुरु पर वो आरोप लगा रहे हैं, विधायक कविता प्राण लहरे पर वो आरोप लगा रहे हैं। प्राण लहरे वही जिन्होंने अपील की थी लोगों से कि सतनामी समाज को ये सब नहीं करना है, न्याय मिलेगा, हिंसा नहीं करनी है। सतनामी समाज के आयोजन में देवेंद्र का क्या काम? कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, 10,000 लोगों का भोजन बनवाने का आरोप लगाया। न्यायिक जांच के बाद कार्रवाई होगी। मंच पे ये देवेंद्र यादव विधायक, उसका क्या काम था? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री रुद्र उस मंच में था और साथ ही साथ एक विधायक, महिला विधायक को भी मंच में, कविता प्राण लहरे ये भी मंच में थी। अब इस तरह समाज को बरगलाया गया और भड़काया गया। अब बताइए, जो आयोजन सतनामी समाज का है उसमें यादव जो विधायक है उसका क्या काम है? ऐसे बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण भी दिए और समाज को उकसाने का भी काम किया गया। इस तरह सतनामी समाज के द्वारा तोड़फोड़ उपद्रवी कर ही नहीं सकते ऐसे शांति समाज में, लेकिन कुछ प्रकट सामने से और कुछ लोग अंदर से इस अंजाम को लोगों को भड़का करके किया गया है। हकीकत में काफी क्षति और काफी नुकसान हुआ है और मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्र गुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। और बताइए, 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था भी किया गया था और इतना बड़ा टेंट भी लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हार हुए उसे पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आज जो न्यायिक जांच का मांग था वो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा कर लिया गया है और स्पष्ट रूप से जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी हैरत की बात है कि जो सरकार में वो भी आरोप लगा रहा है, जबकि जो सरकार में उसकी जिम्मेदारी तो एक्शन लेने की है, अगर सबूत है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। और रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, आप सरकार में हैं, आप आरोप क्यों लगाएंगे? आप तो सीधे एक्शन और एक्शन का ऑर्डर देंगे, जो भी गलत है उस पर एक्शन होना चाहिए। आकाश जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दंगा था और पूरे मामले में 24 घंटे बाद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है और जवाब ठोस तरीके से दिया है। जो कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र यादव, उस पर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की विधायक कविता प्राण लहरे पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री गुरु रुद्र पर भी आरोप लगाया है। इनका कहना है कि सुनियोजित तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चला, क्योंकि पहले ही सतनामी समाज को बैठक के दौरान ये बताया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजें करें, प्रदर्शन करें करके, और वो इस पर मान भी गए थे, लेकिन अचानक से इस तरीके ये से बड़े हैरत की बात है। जो सबसे पहले सवाल जवाब के सिलसिले तो कलेक्टर और SP साहब से शुरू होने चाहिए,
उनको छोड़कर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। मैं आऊंगा आकाश आपके पास, धनंजय ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय ठाकुर साहब, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर विधायक देवेंद्र यादव, कविता प्राण लहरे और रुद्र कुमार, इन पर गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। सतनाम समाज जो बिना भेदभाव के काम करते हैं, गुरु घासीदास जी के बताए मार्ग में चलते हैं, और उन्होंने अपनी बात को रखा है। एक महीने से आंदोलन चल रहा था और जिस प्रकार से वहां पर राज्य सरकार की लापरवाही सामने आई है, जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, और पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ ना तो सुरक्षा दे पा रही है, ना लोगों के भावनाओं को समझ पा रही है, ना लोगों को न्याय दे पा रही है। तब ऐसे में साय सरकार के मंत्री अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की नाकामी को छिपाने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद। हम लगातार कोशिश कर रहे थे बीजेपी का भी रिएक्शन पता चले और कैसे 10,000 लोगों का खाना बनवा लेने को जस्टिफाई किया जाएगा, आरोप को जस्टिफाई किया जाएगा, इस तरह के तमाम सवाल बनते हैं, उन्हें भी जाहिर तौर पर जवाब देना चाहिए। इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सीएम साय एक्शन में है, सीएम हाउस में इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव भी शामिल हुए, पुलिस के आला अधिकारी और समाज के लोग भी बैठक का हिस्सा बने। हिंसा को लेकर सीएम साय सख्त नजर आए, उपद्रवियों पर माना जा रहा है कि जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। बलौदाबाजार में 16 जून तक धारा 144 जारी रहेगी। वीडियो के जरिए उपद्रवियों की लगातार पहचान की जा रही है। इधर बलौदाबाजार में धारा 144 लगातार लागू है, कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। 150 से ज्यादा लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का घेराव किया था, एसपी ऑफिस में आग लगा दी थी, 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई कारों में आग लगा दी गई, 70 से ज्यादा वाहन जला दिए गए हैं। इधर बलौदाबाजार के कलेक्टर ने बताया कि जल्द से जल्द सभी सेवाओं को बहाल करना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। जहां जहां हिंसा हुई है वहां साफ सफाई का काम किया जा रहा है, शिफ्टों में लगातार सफाई का काम चल रहा है। सेवाओं का बहाल हो जाए और हो भी है, अभी देख रहे हैं, मैं खुद ही काम कर रहा हूं और बाकी मेरी शाखाएं भी काम कर रहे हैं, मेरे लीडर्स भी काम कर रहे हैं। सुबह भी मीटिंग हुई ताकि जल्दी जल्दी हम जो पब्लिक सेवाएं हैं उसको हम लोग बहाल कर दें, और साफ सफाई भी चल रही है, हर कमरे में साफ सफाई के लेबर लगा दिए गए हैं। रात को भी हम साफ सफाई का काम करेंगे, शिफ्ट वाइज लगा दिए हैं, लाइट वगैरह का बहाल हो चुका है, अधिकतम प्रसंग हो चुका है। सिर्फ पुलिस का जो ऑफिस है, एसपी ऑफिस है और एक्साइज का जो ऑफिस है, उसी गैलरी में थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, वो भी हमारे रायपुर स्तर से अधिकारी आए हुए हैं, उसको बहाल कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जितना जल्दी जल्दी सेवाओं को बहाल कर लें और लोगों को सुविधाएं मिलना शुरू हो जाए कलेक्ट्रेट का, पुलिस ऑफिस का। और छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से जीएसटी की राशि मिल गई है, इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-25 की 4,761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि हस्तांतरण कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा मिली इस राशि का उपयोग प्रदेशवासियों के हित के लिए, यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ये साय साहब कह रहे हैं। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। तोखन साहू ने जिम्मेदारी संभालने के बाद कहा कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है, पहले आदेश में ही 3 करोड़ पीएम आवास गरीबों को देने की घोषणा कर दी गई है, गरीबों के सपने को साकार करने वाली सरकार है, आने वाले 100 दिन का रोड मैप तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में भी भाजपा की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार। 18 लाख पीएम आवास बनाने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है, अब 3 करोड़ पीएम आवास बनाने का फायदा भी देश के गरीबों को मिलेगा। राज्य मंत्री तोखन साहू ने शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद तोखन साहू साहब हैं। सर,
बहुत बहुत बधाई और न्यूज 18 की तरफ से पहले तो आपको के कार्यभार आपने संभाल लिया। सर अब लक्ष्य क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि काम का लक्ष्य, और आप भी बता रहे कि जब पहली मुलाकात हुई थी तो काम के बारे में, तो आपने क्या लक्ष्य तय किया? आज मैंने शहरी विकास मंत्रालय के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है, और पहली ही कैबिनेट बैठक में 3 करोड़ आवास की स्वीकृतियां दे चुके हैं। इसके पहले 4 करोड़ से ज़्यादा आवास गरीबों को आवंटित किए जा चुके हैं। गरीबों के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। आने वाले समय में हमारे 100 दिन का रोड मैप तैयार है, कार्य योजना तैयार है, उसी कार्य योजना पर हम सब लोग काम करेंगे। हमारी मंत्रालय पूरी शक्ति के साथ काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में, तो वो जो अटके हुए 11 लाख आवास हैं, पहले वो बनेंगे? देखिए, अब डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी, छत्तीसगढ़ में हमारे श्री विष्णुदेव जी की सरकार है। 18 लाख आवास की स्वीकृतियां दे दी गई है, वो भी आवास का निर्माण होगा। इसके अलावा 3 करोड़ आवास की स्वीकृतियां पहले ही कैबिनेट बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया है, तो उसका भी लाभ पूरे देश के जरूरतमंदों को मिलेगा। तो तोखनलाल साहू साहब कह रहे हैं कि उनकी कार्य योजना 100 दिन की तैयार है। छत्तीसगढ़ से आते हैं तो वैसे तो पूरे देश का विकास करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के शहरों पर ज्यादा फोकस होगा। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। और बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वरिष्ठों को छोड़कर जूनियर्स को क्यों लिया गया, यह भाजपा का आंतरिक मामला है। किस उपलब्धि के आधार पर मंत्री बनाया गया, यह भाजपा ही बता पाएंगे। पार्टी का आंतरिक मामला है, उनकी पार्टी में संगठन के लोग क्यों ऐसा निर्णय करते हैं, क्या सोच के निर्णय करते हैं, सीनियर जूनियर को या और कोई उपलब्धि को किस क्या सोचते हैं, वो तो वही लोग जानेंगे। तो इसलिए उनके पार्टी में क्या सोच कर निर्णय लिया गया, वरिष्ठों को छोड़कर जूनियर को दिया गया, साहू समाज बड़ी संख्या में है, इस कारण दिया गया, किस कारण से दिया गया, वो तो उनका आंतरिक। तो ये बयान आया है, पूर्व मंत्री, गृह मंत्री भी रहे हैं ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की सरकार में, उनका ये कहना है कि वरिष्ठों को नजरअंदाज करके जो जूनियर्स को मौका दिया गया है, ये क्यों किया गया है, भाजपा का आंतरिक मामला है और इसको लेकर भाजपा से ही सवाल किया जाना चाहिए। और इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर एक्शन में है सीएम साय, समाज के लोगों के साथ उन्होंने बैठक की है। सीएम हाउस में ये बैठक इस वक्त चल रही है, बलौदाबाजार की घटना को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। लगातार बैठकों के सिलसिले चले हैं, इस वक्त समाज के लोगों के साथ, यानी सतनामी समाज के लोगों के साथ सीएम हाउस में ही ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बलौदाबाजार की घटना को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। और सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली से रायपुर लौट आए, समर्थकों ने स्वागत किया, न्यूज 18 से खास बातचीत अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि सांसद का आई कार्ड लेकर लौटा हूं, और मोदी सरकार का पिछले 2 कार्यकाल में ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मंत्रिमंडल में शामिल न होने का सवाल भी पूछा गया, कहा मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। तो मोदी सरकार ने एक बार शपथ ग्रहण कर लिया है और पहली बार सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। बृजमोहन जी, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए एज ए सांसद, तीसरी पारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं दिल्ली से सांसद का आई कार्ड लेकर लौटा हूँ, कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह और जोश के साथ में स्वागत किया है। मोदी जी की तीसरी पारी, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये तो 2 पारी ट्रेलर थी, फिल्म अब शुरू होगी और निश्चित रूप से ये तीसरी पारी देश को पूरे विश्व में एक स्थान दिलाएगी, समृद्धिशाली भारत बनाने के और विकसित भारत बनाने का जो कल्पना है उसको पूरा करेगी और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाएगी। पहला ही निर्णय 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का लिया,
तीन करोड़ प्रधानमंत्री आवास जिसमें 18 लाख छत्तीसगढ़ के शामिल हैं, और किसानों की जो किसान सम्मान निधि है उसकी किस्त भी जारी की। सभी को यहाँ उम्मीद थी आपको मंत्री पद मिलेगा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि जो पद और प्रतिष्ठा है वो आने जाने वाली चीज़ है, जो जनता का आशीर्वाद है, प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, वो परमानेंट है और वो अभी भी मेरे साथ है। सांसद ब्रजमोहन जी का आगे क्या क्या लक्ष्य है, किस तरीके से सोच रहे हैं? आगे लक्ष्य है जनता की सेवा करेंगे और मोदी जी के साथ मिलकर इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। एक टिप्पणी, बलौदाबाजार में कल जो घटना हुई उसको लेकर चाहेंगे, क्या कैसे देखते हैं उसको? देखिए, वो घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और वो घटना क्यों घटी, किस लिए घटी, क्या कारण है, इसके लिए जांच की घोषणा हो गई है और इसमें निश्चित रूप से ये घटना हम सब छत्तीसगढ़वासियों के लिए दुखद है। मैं तो पूरे समाज से आग्रह करूँगा कि वो शांति बनाए रखें और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिन लोगों ने भी गड़बड़ की उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। आपको मंत्री नहीं बनाए जाने पे कांग्रेस की भी टिप्पणी है, कांग्रेस निराश, उसका कहना है कि साइड लाइन करने की कोशिश हो रही है। देखिए, कांग्रेस के लोग तो विरोध में हैं तो वो तो अपनी टिप्पणी देते रहेंगे। तो ये थे सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जिनका कहना है आई कार्ड लेकर लौटे हैं और मोदी जी की तीसरी पारी असली फिल्म के तौर पर अब यहाँ पर शुरू होगी। कैमरामैन नवीन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जगदलपुर में जमीन विवाद में डबल मर्डर हो गया। जमीन विवाद में दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना इलाका लगता है, जगदलपुर के कोतवाली थाना इलाके में इरिकपाल की ये घटना है, जमीन विवाद में दो सगे भाइयों का मर्डर। अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल में फर्श पर डिलीवरी कराने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग संचालक, सरगुजा कलेक्टर को नोटिस दिया है। अंबिकापुर सीएमओ, अंबिकापुर के सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, इन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। याद दिला दें, 8 जून को दारिमा के सरकारी अस्पताल में महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया था और तब डॉक्टर और नर्स स्टाफ मौजूद नहीं था। राजनांदगांव के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही सामने आई है। एसएनसीयू में पिछले 3 महीने से 2 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। 20 बेड पर 33 से ज्यादा नवजात भर्ती हैं। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक महीने में 70 से 80 नवजात भर्ती होते हैं। इन व्यवस्थाओं को देखकर यही लगता है कि अस्पताल प्रशासन को मासूमों की जान की कोई फिक्र नहीं। आरटीए के तहत एडमिशन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से 2 सप्ताह में जानकारी मांगी है। इसमें हर प्राइवेट निजी स्कूल को यह जानकारी देनी होगी कि आरटीए के तहत आरक्षित 25% सीटों पर पिछले सालों में कितने बच्चों का एडमिशन दिया गया, कितनी खाली रह गई, खाली सीटों को ओपन आधार पर भरा गया, क्या नियम अपनाए गए। सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कार्डधारियों की सीटों के मामले में सुनवाई हुई है। ये बात सामने आई है कि राज्य सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोटा कम कर दिया है। अगली सुनवाई 12 जून को। कोरबा में प्री मानसून की बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। थोड़ी देर की बारिश में शहर की रामपुर बस्ती का ठाकुर मोहल्ला जाम हो गया। बारिश का पानी निचली बस्तियों में भर गया, बस्ती की गलियों में पानी बहता दिखाई दिया। एक तरफ खरमूसा सब स्टेशन में भी बारिश का पानी घुस गया। दंतेवाड़ा में भी मौसम का मिजाज बदला, गरज चमक के साथ बारिश हुई, तेज हवाएं चली, बारिश के चलते तापमान गिरा और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली।